नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी सर मैं आपके पास आया हूँ, ये आपका आवासीय सरस्वती प्रे पब्लिक स्कूल। जानकारी ये मिली है कि आपके यहाँ अभी 17 या 16 बच्चे पढ़ रहे थे हॉस्टल में, और इसमें से 15 ने बाजी मारी है, कुछ गुरुकुल में और कुछ सैनिक स्कूल में। मैं धर्मेंद्र मिश्रा टर्मा बकरी में अहियापुर में सरस्वती प्रे पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ मैं, इसके प्रिंसिपल मुजफ्फरपुर में। अच्छा। और लगभग इस बार सैनिक स्कूल में हमारे हॉस्टल से लगभग 7 बच्चे पास किए हैं और 5 बच्चे गुरुकुल में पास किए हैं, 2 बच्चे ने गुरुकुल शिवालिक में पास किया है और एक बच्ची थी खुशी कुमारी जो इस बार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास की है। अच्छा। और इन सब का देखभाल हमारी मैडम पिंचू मिश्रा करती हैं, सबसे लगभग इन्हीं को जाता है। अच्छा अच्छा जी। आपके यहाँ कितने ऐसे पठन पाठन के लिए टीचर हैं? हमारे पास पठन पाठन के लगभग 10 टीचर हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं और लगभग मतलब कॉम्पिटिटिव को पढ़ा सकते हैं, उसमें उतनी क्षमता है। और छात्रावास में यहाँ कितने बच्चे रहते हैं? छात्रावास में लगभग अभी लगभग 50 बच्चे करीब में रहते हैं अभी। जी। अच्छा, तो और पठन पाठन में आप क्या विशेष स्पेशल लोगों को देते हैं? पठन में जैसे जो शिक्षक है वो मैथ्स वगैरह, साइंस, हिंदी सब के अलग अलग हैं और मैं खुद इंग्लिश सब क्लास को पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, जो गुरुकुल में जो बाजी मारी हैं जो बच्चे लोग, उनका कुछ नाम पता है क्या? जो गुरुकुल में जो पास किए हैं उसमें जैसा है अश्वनी कुमार क्लास 8 में पास किए हैं। अच्छा। वैभव कुमार क्लास 7 में, आलोक कुमार क्लास 7 में, विवेक कुमार 5 में और अंकित कुमार क्लास 5 में पास किए हैं सर। ये कितने दिन से यहाँ संस्थान है? ये संस्थान लगभग मान लीजिए कोरोना काल में तो थोड़ा सा ये परेशानी हुई है, किंतु लगभग 1.5 साल से ये विद्यालय चल रही है। विगत 1 वर्षों से? जी, 1 वर्षों से चल रहा है सर। तो अच्छा रिजल्ट है भाई। आप इन लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं सरस्वती प्रे पब्लिक स्कूल का, तो किस क्लास के बच्चे हैं? क्लास 4 है। अच्छा अच्छा, ये सभी 4 क्लास के बच्चे हैं। जी। बहुत नन्हे, हॉस्टल में रहते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम उत्कर्ष आनंद। अच्छा, यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? सर बहुत अच्छा रहता है। मन लगता है? यस सर। खाना पीना? खाना पीना बहुत अच्छा रहता है। सब कुछ अच्छा मिल रहा है? यस सर। कितने बजे सुबह में उठते हो? सर हम लोग 5 बजे सुबह में उठते हैं। अच्छा, फिर? सर फिर हम लोग उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर हम लोग हॉर्लिक्स भी लेते हैं, फिर योगा भी होता है और फिर हम लोग थोड़ा देर पढ़ते हैं, फिर 7:30 बजे तक नहा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे खाना खाने जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जूता वूता पहन के क्लास में 9 बजे से 2 बजे 3 बजे तक क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर हम लोग लेट जाते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे तक लेट जाते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं तो नाश्ता मिलता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाई में मन लगता है। यस सर। डांट फटकार नहीं पड़ता है? नो सर। अच्छा मैम, ये किस क्लास के बच्चे लोग हैं? 6 क्लास के। और ये सब 6 क्लास हॉस्टल में सब रहते हैं? जी सर। और आपका क्या नाम हुआ? ममता। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? आशुतोष कुमार। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? अच्छा पढ़ाई होता है? कैसे कैसे तुम्हारा रूटीन क्या है पढ़ाई का? सुबह हम लोग 5 बजे उठते हैं, उसके बाद हम सब 5:30 तक रेडी होकर योगा करते हैं और फिर हम सब का योगा के बाद क्लास चलता है 9 से 3 और 3 से 5 तक हम रेस्ट करते हैं हम सब और फिर 6 से 8:30 तक हम सब का क्लास चलता है। किस क्लास के बच्चे हैं लोग? क्लास 5। कौन सा ये कोचिंग हुआ? सरस्वती प्रे। अच्छा अच्छा, सभी क्लास 5 के हैं ना? जी। पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रहा है? जी। चलिए, तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।